हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रोफेसर संतोष पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स बताऊंगा जिसको आप अगर अप्लाई करोगे अपनी डेली प्रैक्टिस में तो आपकी ड्राइंग काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकती है और काफ़ी अच्छी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात है, आप जब भी ड्राइंग बनाओ तो आप फॉर्म को देख के मत बनाओ, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपका मन, अगर जैसे कोई नोटिफिकेशन आ गया फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, तो आप थोड़े मतलब आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और इसकी वजह से आप ड्राइंग नहीं बना पाओगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो अगर आप फिल्म में न्यूज़पेपर आते हो तो तुरंत छापो और उसमें एक से एक मतलब पिक्चर्स होती है, मतलब वो कार्टून पिक्चर होती है, आप उनकी प्रैक्टिस करो। मैं आपको और यूट्यूब की तरह ये नहीं कहूँगा कि आप लाइनिंग की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैं मानता हूँ तरीका काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ बार बार करते रहोगे, लाइन खींचते रहोगे तो उससे मतलब आप बोर हो जाओगे। तो ये तरीका ऐसा है कि जो आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे पिक्चर वाली, तो मतलब इसमें लाइंस भी है और थोड़ी मतलब सर्कल्स भी है, तो इसमें आपकी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये जो पिक्चर है मैंने अखबार से ही ली है, मतलब मैंने अखबार को काटा, फिर उसको मतलब देखा, फिर उसको फिर मैंने उसकी आउटलाइन बनाई, फिर उसकी फिर पेंटिंग करी, फिर मैंने ऐसा करा। और फ्रेंड, उसके बाद आता है कि अगर आप इसको 21 दिन करोगे रोज, फ्रेंड्स आप एक मतलब एक काम करो, आप बहुत सारे अखबार लो और उसमें से 22 पिक्चर काट लो, सबसे पहले आप प्रैक्टिस करो, पहले अपना थोड़ा मन मतलब जगाओ कि अब मेरे को प्रैक्टिस करनी है। फिर आप 21 मतलब 21 डे लगातार आप अगर की प्रैक्टिस करोगे तो फ्रेंड्स आई एम डेफिनेटली श्योर आपकी ड्राइंग 21 दिन बाद काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आप ये मत सोचना कि क्या हम रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना सीख जाएंगे, नहीं, वो ड्राइंग ऐसी होती है कि उसमें मतलब थोड़ी हाथ की सफाई चाहिए होती है, तो पहले आप ऐसी चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे तब आपका मतलब हाथ बैठेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मतलब थोड़ी बहुत लाइन की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो साइड में। सबसे पहले आप क्या करें, अगर आप कोई ड्राइंग बनाना चाहते हो तो पहले आप साइड में पहले थोड़ी लाइन से बना लें ताकि आपका जो हाथ है वो स्टेबल हो जाए अच्छे। और फ्रेंड्स, दूसरी बात ये, अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे लोग है या बच्चे हैं जो आपकी ड्राइंग को टच करते हैं आपकी ड्राइंग से कि देख मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है और तेरी कितनी बेकार है, तो आप उनकी बात बिल्कुल मत सुनो, क्योंकि ड्राइंग कभी बुरी नहीं होती। जब ड्राइंग उसने शुरू करी होगी तो क्या लोगों ने इसको ये कहा होगा कि ड्राइंग क्या है, किसी को मालूम ही नहीं होगा ड्राइंग होती क्या, उसका बस उसने इतने क्या सोचा, पत्थर से कुछ बना दिया, बस हो गई, मतलब कुछ टाइम से कला चलती आ रही है। कला बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आपको सीखने में कोई दिनों लग जाएंगे, बहुत साल लग जाएंगे, तब भी बहुत सारे व्यक्ति इसको सीख पाते हैं। मेरी नज़रों में एक आर्टिस्ट है, मतलब उसका मेरे को नाम नहीं पता, उनकी एक पेंटिंग कंप्लीट हुई थी 6 साल या फिर 7 साल में कंप्लीट हुई थी उनकी एक पेंटिंग, सोचिए। और उन्होंने उस पेंटिंग को बनाने में हर दिन 9 घंटे दिए। अब वो पेंटिंग के फोटोज मुझे तो दिखी नहीं है आज तक, लेकिन ये हमारे सर ने बताई थी तो वो मुझे याद है। और फ्रेंड्स, बाकी बात बस तरीका यही होता है कि आप डेली बेस पे इसकी प्रैक्टिस करो। वही मैंने बताया कि पहला कि आप फ़ोन से देख के पेंटिंग बनाओ, दूसरा आप अखबार काट के जो उसमें पेंटिंग्स होती है वो बहुत सारी चीज़ें होती है आउटलाइन वगैरह उसमें मतलब बहुत शेप्स होती है, आप उसको बनाओ। तीसरा है आप इसको 21 दिन करो, 21 दिन मतलब आप सब भूल जाओ, बस आप इसकी प्रैक्टिस करो, मतलब आप बाहर से आपने कुछ काटा उसको बनाया, बस एक ड्राइंग। अगर आप दिन में भी 5 मिनट देते हो आर्ट को तो भी बहुत है। और जो चौथी बात है, अपनी ड्राइंग को कभी अपने आप से जज मत करो। अभी कभी मैं सोचो कि मेरी ड्राइंग इतनी बेकार है या मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा आर्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी आप इसके डेली बेस से प्रैक्टिस करो। तो फ्रेंड्स, आज के बस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी शॉर्ट मैंने बनाई, क्योंकि आप लोग मतलब लॉन्ग वीडियो देख के आते नहीं हो, तो इसलिए मुझे वीडियो शॉर्ट बनानी पड़ी। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो आपको। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रिड को लेकर कोई वीडियो बनाऊँ, जैसे ग्रिड आउटलाइन जब हम ड्रॉ करते हैं तो ग्रिड की हेल्प लेते हैं, तो मुझे उसके बारे में काफ़ी अच्छा लगेगा आपको बताने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि मैं उसकी वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से नई वीडियो के साथ। और फ्रेंड, इस लॉकडाउन में आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और मिलेंगे फिर से नई वीडियो के साथ। गुड।